हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो पूनम तोमर फिर से आपके सामने हाजिर है एक और जरूरी बात आपको बताने के लिए। पर फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मेरी वीडियो अच्छी लगे तो उन्हें लाइक करिए, शेयर करिए। तो मैं आज आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि अगर आप भी चावल बनाते हैं या बनाती हैं तो आप चावल का पानी कतई ना फेंकें। ज़्यादातर तो लोग चावल पकाने के बाद उसका पानी जो है वो फेंक देते हैं। अगर आप भी ऐसा करती हैं तो जान लीजिए यह पानी आपकी स्किन और आपके बालों के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। और फ्रेंड्स, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है बिल्कुल। चावल के पानी में आप पेपर टॉवल जो होता है उसे थोड़ी देर के लिए भिगोइए और उसके बाद आराम से लेटकर उस पेपर टॉवल को 15 मिनट के लिए अपने चेहरे पर लगा लें। उसके बाद इसे हटाकर आप अपना चेहरा धो लें। इससे आपकी जो स्किन है वो इतनी मतलब उसमें कसावट आ जाएगी, वो टाइट हो जाएगी और उसके अंदर आपको ग्लो जो है वो देखने के लिए मिलेगा। चावल में इंसोलिटॉल नामक एक मतलब कार्बोनेट होता है जो कि बालों को इतना ज़्यादा मजबूत और चमकदार बनाने में आपकी मदद करेगा कि आप वाकई में जब इसे आजमाएंगे तो आपको इसका फ़र्क पता चलेगा। बालों को शैम्पू करने के बाद कंडीशनर की तरह इसे आप अपने बालों में लगा लें और फिर साफ पानी से इसे धो लें। हफ्ते में आप एक बार ऐसा ज़रूर करें। फ्रेंड्स, मैं बता रही हूँ 4 से 5 बार अगर आप अपने बालों में अपने स्किन के साथ ऐसा कर लेते हैं तो आप मजबूर हो जाएंगे, कमेंट्स करेंगे मेरे इस वीडियो पे कि वाकई में आपको मेरी इस बात से फ़ायदा मिला है। ये चीज़ मैंने अपने ऊपर अप्लाई की है तभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो अगर वाकई में आपको ये चीज़ पसंद आए, आप इसे अप्लाई करें। फिर से मैं कह रही हूँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे मेरी ये ज़रूरी वीडियोज़ आप तक डायरेक्ट पहुँच सकें। लाइक करें और अपने और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। थैंक यू सो मच।